नमस्कार दोस्तों। तो ठंडी में चने की भाजी आती ही है, तो मैंने यहाँ पे बेसन के साथ चने की भाजी बनाई हुई है। तो चलिए आइए इसकी रेसिपी आपके साथ कर लेती हूँ मैं शेयर। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चने की भाजी को बहुत बारीक बारीक काट लिया है। आप इसको एकदम बारीक ही काटिएगा। और यहाँ पे मैंने उसके मसाले के लिए ले लिए हैं 6-7 हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, और यहाँ पर मैंने एक पूरा लहसुन लिया है जिसे मैंने छील लिया है, और ली है थोड़ी सी धनिया। उसी के साथ यहाँ पे मैं ले लूँगी 4 टमाटर, और मैं ले लूँगी बेसन। ये आधा कटोरी बेसन है, क्योंकि हमें इसे बेसन के साथ बनानी है। अब जो मैंने अदरक लहसुन मिर्ची धनिया टमाटर लिया है, उसका हम बना लेंगे एक पेस्ट। ठंडियों में इस भाजी को खाने का मज़ा ही कुछ और रहता है। आप इस विधि से बनाइएगा, आपको देखिएगा बहुत ही अच्छी लगेगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसका फ़ाइन पेस्ट बना लिया है, ये देखिए। चलिए अब भाजी को बघारते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे सरसों के तेल से बघारूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बघार के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है सफ़ेद तिल, कुछ हरी मिर्च, और ले लिया है हींग। हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे पेस्ट में भी हरी मिर्च डाली है, तो आप देख लीजिएगा आपको कितनी हरी मिर्च लगती हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दूँगी तिल। तो जैसे ही मेरी तिल थोड़ी सी ब्राउन हो जाएंगी, मैं उसमें डाल दूँगी कटी हुई हरी मिर्च, और उसी के साथ मैं डाल दूँगी इसमें हींग। अब जैसे ही ये सब थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर का, वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। इसे हम पूरा बहुत अच्छे से निकाल के डाल देंगे, और उसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। आप नमक एक बार में ही डाल लीजिएगा, जितना आप खाते हैं उस हिसाब से। अब इस पेस्ट को अच्छे से चलाने के बाद हम यहाँ पे जो हमने बेसन लिया था वो डाल लेंगे, और बेसन को तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इसकी खुशबू ना आने लगे बहुत अच्छे से। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा बेसन बिल्कुल हो चुका है गोल्डन ब्राउन। अब इसमें जो मैंने भाजी काट के रखी हुई है वो मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जितनी भाजी काट के रखी थी पूरी ही मैंने इसमें डाल दी है। अब आप इसको बहुत अच्छे से चला लीजिएगा, और इसमें थोड़ा सा आपने जो पेस्ट बनाया था उसी जार से मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है पानी। अब आप इसको बहुत अच्छे से चला दीजिएगा, बेसन के साथ इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब आप इसको मिक्स करते जाएंगे, तो आप देखिएगा आपकी भाजी बिल्कुल पानी छोड़ने लगेगी। और अभी जो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में दिख रही है, बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने इसे बेसन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और बहुत अच्छे से चला लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है। तो अब ये जो पूरी भाजी है, ये मैं अपनी झरिया से भी निकाल लूँगी, और इसको हम ढाँक देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम में पकने देंगे। इसको पकने में कम आपको 15-20 मिनट लगेंगे। थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन बहुत अच्छी बन के तैयार होती है और खाने में लगती है बहुत ही टेस्टी। तो चलिए आइए देख लेते हैं। ये देखिए, हम इसको एक बार फिर चला लेंगे, और हमें इसे अच्छे से बिल्कुल जलने नहीं देना है, बीच बीच में देखते रहना है। और हम इसे फिर से एक बार ढाँक देंगे। आप इस झरिया की भाजी ज़रूर निकालिए लेगा, वरना वो कच्ची रह जाएगी।
इसके बाद मैंने इसे एक बार फिर ढाँक दिया था और कम से कम इसे पकते पकते हो चुके हैं 15 से 20 मिनट। तो अब देखिए मेरी भाजी बनके हो चुकी है बिल्कुल तैयार और मैंने इसे बहुत अच्छे से चला लिया है। अगर आपको समझ में ना आए कि आपकी भाजी पकी है या नहीं तो आप इसे थोड़ा सा चम्मच में लेके टेस्ट भी कर सकते हैं। ये अगर बिल्कुल मुंह में गल जाए तो समझ लीजिए कि आपकी भाजी पक चुकी है। तो चलिए आइए इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरी भाजी बनके बिल्कुल हो चुकी है तैयार। आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा, आपको खाने में बहुत अच्छी लगेगी। इसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची कुछ नहीं डलता है, सिर्फ जो मैंने पेस्ट बताया है वही डालिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा।